नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। जी हां, हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है। बेटी ने पहली मां की हत्या की, उसके बाद शव को सूटकेस में लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। महिला ने जब पुलिस को घटना के बारे में बताया तो सभी हैरान रह गए। आपको बता दें, बेटी ने पहले मां को 20 नींद की गोलियां खिलाई, फिर गला घोटकर शव को सूटकेस में पैक कर दिया। उसके बताया जा रहा है कि रोज़ नए झगड़े उसकी मां करती थी, इसलिए उसने हत्या को अंजाम दिया। वारदात के वक्त आरोपी महिला की सास भी घर में मौजूद थी, लेकिन उसे वारदात के बारे में पता नहीं चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी सेनाली सेन और उसकी मां बीवापाल बेंगलुरु के ग्रीन अपार्टमेंट के घर में रहती थी। सेनाली सेन ने सोमवार को सुबह करीब 9 बजे अपनी मां को नींद की 20 गोलियां खिलाई थी। गोलियां खिलाने के बाद जब बीवा पाल ने पेट में दर्द की शिकायत की तो सेनाली ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सेनाली ने मां के शव को ट्रॉली बैग में रखा और इसके साथ पिता की एक तस्वीर भी रखी। इसके बाद उसने ऑटो बुलाया और बैग को ऑटो में रखकर पुलिस स्टेशन ले पहुंची। आपको बता दें कि शव को कब्जे में लेने के बाद अब पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।